क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्या? So a very, very good evening to you. I am Sushma Morthania, Director General of India SME Forum. और हर शाम की तरह आज भी हम आपका स्वागत करते हैं हमारे FB Live session में rejuvenating and reorienting your business a very, very good evening to you. In troubled times. I am Sushma Morthania, Director General of India SME Forum. और हर Sorry for that technical jerk. Once again, I welcome you all for this session on raising equity for SMEs through BSC SME Exchange. और आज के हमारे गेस्ट हैं श्री अजय ठाकुर, हेड फॉर BSC SME एंड स्टार्टअप्स. उनके साथ हैं श्री कृष्णा सिंह, MD ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज. बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका और कृष्णा जी आपका भी. आपका स्पीकर म्यूट पर है अजय सर. हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस FB लाइव सेशन में. बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर. आपके साथ तो हमारा बहुत लंबा और पुराना रिश्ता है. मुझे याद है जब हमने इंडिया एसएमई फोरम बस शुरू ही किया था, उसी टाइम पे बीएससी एसएमई एक्सचेंज भी जस्ट शुरू हो रहा था. तो मुझे लगता है वी हैव बीन यू नो ग्रोइंग हैंड इन हैंड. तो हम बडीज भी हैं, पाल्स भी हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एकदम शुरुआत से. और आपने भी एक कंपनी से लेके मुझे पता है आज करीब इस डिकेड में 300 कंपनियों से ज्यादा लिस्ट कर दी है एसएमई एक्सचेंज पे. एंड आई हैव सीन बीएससी एसएमई एक्सचेंज ग्रोइंग. तो आप मुझे हमें प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं कि आज अभी बीएससी एसएमई पे कितने एसएमईज लिस्टेड हैं और कितना टोटल मनी इन्होंने रेज किया है. देखिए 2012 में ये हमने SME एक्सचेंज की को लॉन्च किया था. हम पहले स्टॉक एक्सचेंज थे तो SME एक्सचेंज को लॉन्च किया और विगत 6.5-7 साल में हमने जो है 322 कंपनियों को यहाँ पे लिस्ट करवाया है. और ये 322 कंपनी ने 3,500 करोड़ रुपये जो है 3,500 करोड़ रुपये की जो पूंजी है वो इस मार्केट से रेज किया है, फंड रेज किया है. और आज के दिन में हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 322 कंपनीज के वो करीब करीब 16,000 करोड़ है, जो एक समय में आपको पता होगा 20,000 करोड़ रुपये तक भी गई थी
लेकिन उसके बाद जो मार्केट कंडीशन और इक्विटी मार्केट पे जो इम्पैक्ट पड़े उसके चलते जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन में 16,000 करोड़ रुपए पे आई हुई है। तो 3,500 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है जितनी भी हमारी यहाँ पे SMEs लिस्ट हुई है उन्होंने यहाँ पे फंड रेज कर चुके हैं। That's a huge number. Actually, you deserve an applause and applaud आपके इतने sincere efforts के लिए, because मैं जानती हूँ कि आप हर एक कंपनी से मिलते हैं, आप उनके पीछे बहुत efforts लेते हैं, right from उनको इस BSE SME के benefits समझाने से लेकर आप उनको list होने तक काफी हैंड होल्डिंग करते हैं, ये मैंने पर्सनली भी देखा है। बट हमारे जो आज की ऑडियंस है उनके उसमें कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए क्या आप हमें SME एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए क्या जरूरी है और कैसे लिस्ट किया जाता है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे? देखिए 2010 में जो है ये समझा गया कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो है एक इक्विटी मार्केट प्लेटफॉर्म भी जो है वो बनाना बहुत जरूरी है। और उसी समय जो है सेबी ने जो है हमें स्टॉक एक्सचेंजेस को रिक्वेस्ट किया कि हम जो है ये SME एक्सचेंज जो है ये जल्दी से जल्दी लॉन्च करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SME यहाँ पे लिस्ट कराए, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करे और फंड रेज करे ताकि उनको जो है उनके ग्रोथ में ये फंड जो है सहायक हो सके। तो हमने यहाँ पे जो नियम है SME एक्सचेंज के नियम जो हैं उसको हमने काफ़ी आसान रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लघु और मध्यम इकाइयाँ जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो सके और फंड रेज कर सके। अब जो यहाँ के नियम है अगर आप देखें तो हमने जो नियम तय किए यहाँ पे कि कोई भी कंपनी जिसकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल जो है 25 करोड़ के नीचे है वो कंपनी अपने यहाँ ये SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करा सकती है। पेड अप कैपिटल 25 करोड़ के नीचे होना चाहिए। इसके अलावा जो है कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, उसमें 2 साल कंपनी प्रॉफिट करनी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है उनकी नेट टेंजिबल एसेट जो है वो 3 करोड़ होनी चाहिए। तो अगर ये कंपनियां इन सारे जो क्राइटेरिया है इसको मीट करती है, ये सारे जो हमारे नियम है उसमें खड़ी उतरती है, तो वो कंपनियां इस SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकती है। तो ये मामूली नियम रखे हैं। इसके अलावा हमने जो है SME कंपनियां जो काफ़ी डरती हैं इस बात से कि शायद लिस्टिंग के बाद उनकी कंप्लायंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि लिस्टिंग से उनकी कंप्लायंसेस SME प्लेटफॉर्म पर नहीं बढ़ती है। हमने कंप्लायंसेस को भी काफ़ी जो है कंप्लायंसेस के नियम को जो है हमने काफ़ी रिलैक्स यहाँ पर रखा है। आपको सिर्फ जो है हाफ ईयरली अपने रिजल्ट फाइल करने होते हैं, उसमें हाफ ईयरली आप अनऑडिटेड रिजल्ट फाइल करें और ईयरली जो है आप ऑडिटेड रिजल्ट फाइल करें। तो ये काफ़ी हमने जो है रिलैक्सेशन पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस में काफ़ी रिलैक्सेशन रखा है। लिस्टिंग जो है उसको भी हमने कम से कम जो है प्रमोटर्स के ऊपर कॉस्ट आए तो हमने लिस्टिंग को भी बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रखा है। हमने सारे मर्चेंट बैंकर्स जो इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको हमने बोला कि जो प्रमोटर्स है उनके ऊपर फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी हो जितना आप कम से कम कर सकें वो करें ताकि उनको ज्यादा पैसा पेमेंट ना करना पड़े लिस्टिंग करने के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंपनियां लिस्ट हो रही है। तो इस तरह नियम को भी काफी आसान रखा है, चाहे वो लिस्टिंग के नियम हो काफी कॉस्ट इफेक्टिव रखा है ताकि कम से कम कॉस्ट में कंपनियां लिस्ट हो जाए। और तीसरा हमने जो है पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस को भी के नियम भी जो है वो काफी आसान रखे हैं। तो इस तरह से ये SME कंपनियों के लिए बहुत आसान रूप से लिस्टिंग करना है और साथ में वो फंड रेज कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो ये है जो भी SME है जो अच्छे इंटेंशन से काम करना चाहते हैं, जो विकास करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, कंपनी की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, उनका यहाँ SME प्लेटफॉर्म पे जो है हम काफी स्वागत करना चाहेंगे। अजय सर आप हमें बताएं, आपने कॉस्ट इफेक्टिव कहा तो एक्चुअली रफली कॉस्ट क्या होता है फॉर एन SME, यू नो वो फिगर जानना बहुत जरूरी है, तो कॉस्ट क्या है? देखिए जहां तक कॉस्ट है मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि ये हम सबसे अंत में ये प्रश्न लें, क्योंकि सबसे पहले जो है हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं वो ये समझे कि हमें लिस्टिंग करने से हमें क्या क्या फायदे हैं। एक बार उनको फायदे समझ में आ जाएंगे तो उन्हें कॉस्ट जो है ना बहुत कम लगेगा।
जब फायदे लोगों को समझ में नहीं आते हैं तो चाहे आप 1 रुपया कॉस्ट बोलो या 1 लाख रुपया बोलो या 1 करोड़ रुपया, सब उनको भारी लगता है। तो मेरे ख्याल से जो है वो हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, आपकी बात मान ली हमने, तो हम कॉस्ट अभी नहीं पता करेंगे, कॉस्ट हम आखिर में पूछेंगे अजय सर से। आई एम मूविंग ऑन टू कृष्णा सिंह जी। कृष्णा जी हमारे इंडिया एसएमई फोरम के मेंबर भी हैं और इन्होंने अपनी कंपनी को बीएससी एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट कराया है, और हम कृष्णा जी से जानना चाहेंगे कि आपको ये क्यों लगा कि आपको आपकी कंपनी लिस्ट करनी चाहिए, एंड व्हाट मेड यू डू इट? या श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक्स अजय जी, एंड आई थिंक आई नो हिम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ बिकॉज ऑफ द बीइंग लिस्टेड ऑन बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिगिनिंग में तो कैपिटल की जरूरत होती है, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू लुक फॉर, एंड वेरी ऑब्वियसली अंडरस्टूड ऑल्सो। सो यस, we thought that this would be one of the ways to raise the capital, but teen bahut important cheeze hain jo main yahan pe bolna chahunga. First one is that it's not that one cannot raise capital beyond the stock exchange. You can, and we tried as an organization to raise capital from other sources, maybe private equity and other areas, and we were reaching closure, but what I realized at that point in time was that as an entrepreneur, everybody has a dream and a passion which you are following. So I think going to a capital market in the initial phase and raising money, of course you have a lot of responsibility towards your shareholder, but I think equally you have the freedom to operate the way you think is the right way. And I firmly believe that an entrepreneur knows his business best, and he knows what is good for his business. And that freedom you get if you're raising from Bombay Stock Exchange. It's a very practical thing, but I wanted to put it across. Now, that is one important thing. Second part, which is equally important here, is that in the initial stage, when you have a good number of people associated with your company, that I think increases the chance of success for your company. Because see, there's always a classic debate that one should do a listing after you have reached a scale, and that point in time you are going to monetize whatever you have built. But here you are probably not monetizing, you are creating a broader base for your organization so that your organization's chance of success is much better. And that is something which I realized, and we had a very early realization of that. You would be surprised to know that some of the shareholders who bought our shares did help us in growing our business as well. So yes, we got the capital, but apart from capital, you get so many more people who are wishing good for you, and they become partner in your success, and they are also concerned about your well-being. So that's a second thing which is critically important. Third, and I would say the most important part, is that in the initial phase of any company, you try to probably overlook some of the very critical compliance issues, some of the very critical, I would say, hygiene issues in the organization. The moment you are listed on a stock exchange, probably even though it happens because there's a regulation, and Ajay ji rightly said that it's not very complex, the paperwork or whatever. Helps you in a way. Your company is a lot more disciplined, a lot more structured. You are a company. You are in a very good health as an organization. So that is something which is the third very important thing, and that is the outcome of this whole listing. So though I didn't realize all of it when we decided to list, yes, that point in time it was primarily raising the capital, but I think later on these things became very, very good outcome. After the listing on the stock exchange. Okay, मैं बताना चाहूंगी हमारे गेस्ट को कि आज हमारे साथ over 700 people have joined us to view this webinar, and तो 700 के ऊपर entrepreneurs आपकी बातें सुन रहे हैं, और मैं दो सवाल करूंगी कृष्णा आपसे। एक तो आपको लिस्टिंग होने के बाद आपको नए इन्वेस्टर्स कितने मिले,
और दूसरा फ्रीडम, आपने फ्रीडम की बात करी, तो डू यू स्टिल हैव दैट फ्रीडम जो आप लिस्टिंग होने से पहले आपके पास था और अब, तो वो फ्रीडम तो कहीं चेंज नहीं हुआ? So one is a pure number. So yes, when we listed, that time we had close to around 900 investors, new investors who came into the company. But of course, some of them are very transient and they want to move out just make more money. But the, some of them are a very informed and long-term investor. So both these guys were there. But what is very, very important is that, I'm sorry, what was your second question, ma'am? Freedom. Yeah. So regarding the freedom part, see, Rajesh ji said a very right thing that if your intentions are right, if you are thinking of building a long-term, sustainable, large organization with a sole motive of creating a wealth for yourself and for your partners and shareholders, definitely you are not compromising on your freedom any which ways. Because I think for your operations, for your business, for your vision to be implemented, there's nobody who is going to question you on those things. You are your own boss. In true sense, you are an entrepreneur. Unlike if you are backed by a VC, I have a very brief experience of that as well. And definitely there, the phenomena is very different. I'm not saying that is right or wrong, but yes, as an entrepreneur, one would always want to carry forward the vision because the chances of success there is very high. So I think from that perspective, you are really not having any botheration. One is able to function and do a good job. That's what we've been doing. In fact, I would like to inform you that Global Space now is has migrated to the main board of platform. So we are now on the main board and we started around 2.5 years back on the small exchange. And it was a wonderful progression which we had. And even on the business front, we had the same gains which we could get. Congratulations for migrating on the main board. I will come back to Ajay ji. Ajay sir, आप मुझे बताएं कि in the current COVID situation, the valuation of companies have dropped. So, what is the solution and what is the truth? देखिए ये तो obvious है, मतलब हर व्यक्ति जानता है, इसमें कोई rocket science नहीं है कि economy जो है contract हुई है, lockdown से सारे businesses को impact हुए, चाहे वो बड़े business हो या छोटे business हो. सबकी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो रहा है, सारी कंपनियों के सेल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है. मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हुए हैं, चाहे जो भी सेक्टर की बात आप कर रहे हैं, किसी सेक्टर पे सीवियर इम्पैक्ट है, किसी पे मॉडरेट है, किसी पे हाई है और किसी पे कम है. लेकिन जिसमें कम इम्पैक्ट है वो सेक्टर कम है और वो सारी कंपनियाँ कम है, लेकिन जो सीवियर से लेके हाई इम्पैक्ट वाले कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा है. तो बिजनेस पे इम्पैक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है और वैल्यूएशन कुछ नहीं होता है. देखिए वैल्यूएशन जो है वो किससे आता है, वो प्रॉफिट से और सेल्स से आता है. तो वैल्यूएशन टोटल डिपेंड करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी सेल्स कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी स्केलेबिलिटी कैसी है. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उसकी वैल्यूएशन की जाती है. दूसरी चीज़ हमें ये समझना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट है या कैपिटल मार्केट है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, ये कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं, ये डायनामिक प्रोसेस है. हो सकता है आज आपकी वैल्यूएशन कम हो लेकिन आगे जाके आपकी वैल्यूएशन जो है 5 times हो सकती है, 10 times हो सकती है, 20 times हो सकती है. तो हमें उस हिसाब से चलना है. बहुत सारे प्रमोटर्स को हमने जो देखा है वो ये देखा है कि वैल्यूएशन को लेके बहुत स्टिकी रहते हैं, मतलब वो वैल्यूएशन से जरा सा भी जो है फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते हैं. वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वैल्यूएशन लेना चाहते हैं और तब भी अगर आपको फंड्स नहीं मिल रहा है, उससे तो अच्छा है कि आप थोड़ी कम वैल्यूएशन पे फंड्स लेकर के ग्रो करें, क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेस है. अगर आपकी ग्रोथ होगी तो जो वैल्यूएशन आज आपको कम मिल रही है वही आपको प्रीमियम मिलेगी आगे चलकर. तो स्टॉक मार्केट जो है उसमें जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब की के ऊपर वैल्यूएशन मिलता है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो आपकी वैल्यूएशन पे करता है वो है ट्रस्ट फैक्टर. वो इंटेंशन, प्रमोटर की इंटेंशन क्या है और बिजनेस की आगे चल के जो है ग्रोथ क्या है, प्रमोटर्स की मंशा क्या है, उन सारी चीज़ों को साथ में लेकर के कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है. तो ये तभी होगा जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने आप को, जब आप विजनरी हैं या लोग आपको देख रहे हैं.
अगर लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं तो आपकी ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो मेरे ख्याल से प्रमोटर्स को वैल्यूएशन के साथ बहुत रिजिड नहीं रहना चाहिए, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए और ये हर हमेशा समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट डायनामिक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपको रिवार्ड जरूर करेगा। ये है, हमने ये देखा है, अगर आप देखें आज से 40 साल पहले तो रिलायंस की वैल्यूएशन 11 करोड़ थी, आज उसकी 9.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है। धीरू भाई अंबानी के पास ये उस समय भी था कि भाई हम 11 करोड़ की वैल्यूएशन पे या 11.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्टिंग करा रहे हैं, वो सही बात है कि नहीं? अगर उन्होंने अपनी उस समय लिस्टिंग नहीं कराई होती तो आज 9.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी की नहीं होती थी। तो हमें कंपनी स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स को समझ करके अपनी वैल्यूएशन के प्रति इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, उसको हमको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। दूसरा ये प्रश्न उठता है कि ये जो है हम लिस्टिंग जब करा रहे हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलने उससे मिलता है, तो कुछ कृष्णा जी ने बताया। मैं आपको बताऊं, कृष्णा जी भी इतने आराम से अपनी कंपनी को लिस्टिंग नहीं कराया है, उन्होंने मुझे बहुत दोहराया है, उनको समझाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। और जिस दिन से ये मैंने SME प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है उस समय से लेकर के अभी तक मैं 30,000 कंपनियों से मिला हूँ और 30,000 कंपनियों से मिलने के बाद 325 कंपनियां लिस्ट हुई है। तो ये एक आसान प्रोसेस नहीं है। हाँ, इसका फायदा हमको तो नहीं मिला है, हमको तो ठीक है आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म पे आके बोलने का मौका मिला, वो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी में पैसे आए, प्रमोटर्स ने बिजनेस को ग्रो किया, उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब हम कंपनी को लिस्टिंग कराएं। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके उसके बारे में भी बात करूंगा आपका जब आगे प्रश्न आएगा। तो ये सारी चीजों को समझ करके मेरे ख्याल से प्रमोटर को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहिए। मेरे मन में कब से ये प्रश्न चल रहा है कि इतने स्लोडाउन के बावजूद हम सब परेशान हैं, बट आप अभी भी कंपनियां लिस्ट कराए जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ये कैसे पॉसिबल है और कंपनीज को क्या पॉजिटिविटी इसमें नजर आ रही है फॉर रेजिंग फंड्स, बिकॉज आज की तारीख में फंड्स की ही सबसे ज्यादा किल्लत है और MSMEs को वही एक एरिया है जहां पे अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। तो आप हमें बताएं कि हाउ आर यू एबल टू कंटिन्यू टू गो ऑन लिस्टिंग इन द करंट टाइम आल्सो। देखिए, अपना अपना देखने का और सोचने का नजरिया है, ठीक है, किसी को ग्लास में आधा पानी दिखता है और किसी को आधा पानी भरा हुआ दिखता है। तो हर व्यक्ति जो है बादल के अंदर रहना चाहता है, लेकिन जब तक आप सूरज का रोशनी नहीं लेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, तो तब तक आप आगे चल नहीं सकते हैं। पेड़ के छाए पे छाव में रह करके तो आप स्टैटिक ही रहेंगे, आगे बढ़ना है तो उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो हमको जो है यहाँ पे हर जगह जो है दो तरह है नजरिया देखने का, या तो आप हर्डल देखें या अपॉर्चुनिटी देखें। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी प्रमोटर्स है उनको हम इन्वेस्टर्स से मिलवाएं, हम उनकी सारे लोगों से बातचीत करवाएं, उनके बिजनेस को लोगों को समझाएं। अगर लोगों को समझाएंगे तो अभी भी है, देखिए, देयर इज नो डर्थ ऑफ मनी, देयर इज अ डर्थ ऑफ ट्रस्ट, देयर इज अ डर्थ ऑफ कन्विक्शन, देयर इज अ डर्थ ऑफ कमिटमेंट। तो पैसे हैं, जब तक आप चीजों को ठीक से नहीं सामने में प्रेजेंट करते हैं तब तक जो है इन्वेस्टर्स का फंड आपके तरफ फ्लो नहीं होता है। हमारा हर हमेशा ये प्रयास रहता है कि कंपनी जो है, जो ये प्रॉस्पेक्टस बन के हम वेबसाइट पे लोड करते हैं, जो उनकी हम थ्रू डिफरेंट चैनल्स उनकी विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। वैल्यूएशन को एक टाइम में थोड़ा दरकिनार रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वैल्यूएशन को दरकिनार रख के उसके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज किया तो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो अब ये जो है उनको समझाना, प्रमोटर्स को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जो समझ गए उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट करवा दिया। तो मेरे ख्याल से यही प्रोसेस हुआ है और ये प्रोसेस पे लोग चले हैं और आज कंपनियां लिस्ट हुई। चलिए, हम यही विश करेंगे आपको कि और ज्यादा से ज्यादा SME कंपनियां लिस्ट करें SME एक्सचेंज पे। अब मैं वापस मुड़ूंगी कृष्णा की तरफ। कृष्णा, आप हमें बताएं कि SME एक्सचेंज पर लिस्ट करने के बाद आपने माइग्रेट भी किया, तो एक तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या चेंज या क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है, या व्हाट आर द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड अप्रोच। तो वी हैव जस्ट माइग्रेटेड टू द मेन बोर्ड इन 2 months बैक। बेसिकली एक जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन SME एक्सचेंज एंड द मेन बोर्ड इज दैट इन SME एक्सचेंज योर
ticket size to invest is always a block ticket size. So the philosophy is ki aapke paas jo bhi investors aaye wo informed investors aaye and ek share ka minimum lot hota hai. So that is in a way also I would say small I would say barrier to kind of get many more investors into the company. The moment you migrate to the main board, then you are just like any other company trading on the main board. आपका visibility बढ़ जाता है. I think one very important thing which happens is that people don't perceive, even though you might be a small company, but people don't perceive you to be a small company. अगर आप international market में भी operate करना चाहते हैं, this gives you a very good credibility. I think that's one very very important thing. The moment you say we are listed on the stock exchange as an organization, and of course from a shareholder's perspective, आपका shareholder base काफी wider हो सकता है. Even somebody can buy a single share of yours and get associated with your company. So that's these are the benefits which are immediately seen is what I can say. And how has the perception and approach of your employees changed, your customers and clients? So what kind of difference it has brought to them, the way they started looking at your company? So I'm glad you asked this question. And trust me, I think one of the biggest impact which this creates is on your employees. Because for any small company, and if you are really playing in a innovation and a tech domain, employee retention is a very very critical thing, and many companies fail because they are not able to retain right talent. I think when you are listed on the stock exchange, and we have done it, we have come up with an employee stock option, we have given our stock options to many of our critical employees, and happy to inform that we have some people, we are a 9-year old organization, and we have some key people who have joined us around 8 years, 9 years back, and they are still continuing with us. And that is one of the reasons for whatever and wherever we have reached today. So at the employee level, it creates a phenomenal impact. And of course, as I said earlier, also customers also, they don't consider you as a fly-by-night operator, because you want to get into different, you want to deal with bigger companies. If you have ambitions, you want to go out of the country also. So I think there it may does make a very very big difference if you are listed on a stock exchange. Well, good to hear ki aap apne employees ka saath, clients ka saath aur customers ka saath hamesha rahe bana rahe. Ajay sir, main aapse puchungi, aap mujhe benefits bataye ab ki BSE SME exchange pe list karne ka kya kya benefits hain. Dekhiye, benefits to bahut sare hain. कुछ बेनिफिट्स कृष्णा जी बोलते बोलते ही भूल गए. एज प्रमोटर के मुंह से जो है वो सारे बेनिफिट्स सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी हम जब बेनिफिट्स बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम थ्योरी की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो 2-3 साल में 4 साल में प्रमोटर के मुँह से खुद ब खुद उनके तरफ से जब ये बात बोली जाने लग जाती है तो जो हम बोलते हैं उसमें ट्रस्ट लेवल बढ़ता है. तो बेनिफिट्स जो है, लिस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जब कोई अपनी जो है कंपनी स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, तो सबसे पहले वो अपने फंड से शुरुआत करता है, फिर वो बैंक से फंड लेता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन आ जाती है ग्रोथ की, क्योंकि वो इतना सर्विस नहीं कर सकते. अगर ज़्यादा लोन लेंगे तो सर्विस भी नहीं कर पाएंगे. हमने भी 30,000 कंपनियों से मिले, हमने उनकी बैलेंस शीट देखी. टर्नओवर जो था 1 करोड़ से लेकर के 500-600 करोड़ तक की उनकी टर्नओवर थी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा. एक मैक्सिमम कंपनियां जो थी वो 0.5 से 1.5% की प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही थी, जिसका एक बहुत बड़ा कारण हमने ये देखा कि वो कंपनियां जो थी अपने आप को ओवर लिवरेज्ड करके रखी हुई थी, मतलब बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन लेके रखी हुई थी, जो उनको बहुत सर्विसिंग करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते उनकी प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट पड़ रही है. तो अगर हम जो पहला रीजन है, हम क्यों चाहते हैं कि वो ओवर लिवरेज बैलेंस शीट नहीं रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो फर्दर उनका ग्रोथ हो वो इक्विटी फंडिंग से हो. तो एसएमई प्लेटफॉर्म उनके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर सके फॉर कैपेक्स पर्पस. अगर उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है या उनको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए तो उसके लिए वो फंड रेज कर सकते हैं.
या अगर मान लीजिए उनको जो है बैंक फंडिंग को जो है जो लोन उन्होंने रखा है उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए तो कंपनी पर्पस से अगर उनको फंड चाहिए इक्विटी डाइल्यूशन करके इक्विटी के रूप से तो ये एसएमई प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप को लिस्टिंग करा के इक्विटी डाइल्यूट करके फंड रेज कर सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इक्विटी डाइल्यूट करके आप फंड रेज कर सकते हैं। दूसरी जैसे हमने बताया आपको कि इस मैक्सिमम लोगों की ओवर लिवरेज्ड बैलेंस शीट होती है, अगर सही मायने में कहा जाए तो बैलेंस शीट रहती ही नहीं इम्बैलेंस शीट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब इक्विटी और डेट का जो है सही समन्वय रहेगा तो हमारे ख्याल से वो बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखेगी। जब बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखेगी तो चाहे वो लेंडर हैं या इक्विटी प्रोवाइडर है उनको जो है कंपनियों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इससे तीसरी बेनिफिट ये होती है कि जब बैलेंस शीट हेल्दी होती है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। हम लिस्टिंग कहते हैं, लिस्टिंग से क्या होता है, लिस्टिंग से जो है कंपनी की वैल्यू अनलॉक होती है, मतलब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। चौथा जो कृष्णा जी ने भी बताया वो ये बताया कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जो आपके क्लाइंट्स हैं डिफरेंट क्लाइंट्स वो आपको रिपीटेड बिजनेस देना चाहते हैं। आप अगर अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखते हैं कि BSE लिस्टेड कंपनी तो एक आपको जो है लोग सम्मान के नज़र से देखते हैं। तो ऑफकोर्स जो चौथा बेनिफिट है वो आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। पांचवा आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आपकी मार्केटिंग बढ़ती है, आपको बिना मतलब का मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सारे लोग देखने लग जाते हैं, पूरा देश देख रहा है, विदेश के लोग देख रहे हैं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो उससे जो है आपकी रीच बढ़ती है, लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं। तो ये है बेनिफिट उसमें। छठी है आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सैलरी नहीं ज्यादा दे सकते हैं तो हम सैलरी और इक्विटी का कंपोनेंट जो है उसमें थोड़ा मिक्स करें, उनको हम ESOPs प्रदान करें। अब अगर आप लिस्टेड है तो ESOPs की वैल्यू है, ESOPs की प्राइस बढ़ती है तो अब एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा दिन तक कंपनी के साथ रहना चाहता है। तो एक माध्यम है इक्विटी जो आप एम्प्लॉय रिटेन कर सकते हैं। जो पांचवा एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि आपकी इक्विटी जो है आपकी करेंसी हो गई है, क्योंकि वो ट्रेडेबल है तो आप उसको करेंसी एज ए करेंसी यूज कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सातवा बेनिफिट है कि आप उसको एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हैं कि एक समय के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी इक्विटी इससे ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको एज ए कोलेटरल दे सकते हैं बैंक्स में या NBFC को या किसी और लेंडर को और उनसे आप फंड ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से जितनी भी कंपनियां चाहे देश में ले ले या विदेश में ले ले, आप आज जितनी कंपनियां देखें अगर उनके बड़े होने का कोई भी कारण रहा है तो इक्विटी रहा है। अगर आप सुबह उठें सुबह से शाम तक अगर आप अपने चारों तरफ के प्रोडक्ट्स देखें जो आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा 80-85% ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग आर ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी जो लिस्टेड कंपनियां बड़ी बनी है उसका जो एक बहुत बड़ा कारण रहा है वो रहा है लिस्टिंग। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, साथ साथ आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है। हमने ऑलरेडी एक प्रोविजन देके रखा है कि 2 साल के बाद अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर बढ़ जाती है तो आप 2/3 नॉन प्रोमोटर्स का अप्रूवल लेकर के मेन बोर्ड में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर भी आप लिस्ट जा सकते हैं। तो लोग आपको बड़ी कंपनियों में आपको एक तरह से देखने लग जाते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है हर हमेशा अपने को लघु और मध्यम इकाई नहीं रखना चाहती है, उसको और बड़ा करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से एक नजरिया लोगों का आपके तरफ इसलिए भी अच्छा हो जाता है कि आपने अपने आप को एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में रखा है, इसलिए आप मेन बोर्ड में माइग्रेट किए। तो ये सारी बेनिफिट जो है ये SME प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। साथ में आप लिस्टिंग हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आज अगर कोई प्रोमोटर मर्चेंट बैंकर से मैंडेट साइन करता है तो 3 महीने के अंदर वो अपनी कंपनी को BSE SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करा सकता है। इतना क्विक और फास्ट प्रोसेस है। कभी कभी तो 2 महीने में भी लिस्टिंग हो जाती है, इतना फास्ट तो बैंक लोन भी नहीं आता है। तो आप समझिए ये SME प्लेटफॉर्म एक जो है ब्लेसिंग है सारे SME प्रमोटर्स के लिए। और मेरे ख्याल से जितने भी प्रमोटर्स हैं उनको ये SME प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स एसोसिएटेड है सुषमा जी।
थैंक यू मुझे इतने सारे बेनिफिट्स लिस्ट कराने के लिए. अब मुझे बुरा नहीं लगेगा आपको कॉस्ट पूछने के लिए जो मुझे एंड में पूछना है, बट मैं हमारे तीसरे अतिथि का भी स्वागत करूंगी. असलम खान साहब हमसे जुड़ चुके हैं. असलम भाई आप हमें सुन सकते हैं? जी हाँ मुझे आवाज आ रही है. Am I audible to you? Good evening. Aslam Khan ji is the founder and chairman of Octaware Technologies, and he is the first company to be listed on Startup Exchange. तो अब सबसे पहले तो मैं congratulations Aslam भाई आपको उसके लिए, और अजय सर से मैं पूछना चाहूंगी इस और एक feather in the cap. आप हमें प्लीज स्टार्टअप एक्सचेंज से अवगत कराएं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है इस पे लिस्ट करने के लिए. देखिए एक चीज समझ लीजिए कि इंडिया जो है उसमें सबसे ज्यादा आज के दिन में हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर आप देख लीजिए तो वो है हमारी यूथ पॉपुलेशन. हमारी यूथ पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और ये काफी स्किल्ड भी है. और अगर आप देखें तो विगत 10 सालों में हमने सर्विस सेक्टर ITITS के माध्यम से हमने अपनी ग्रोथ को काफी आगे रखा है. ठीक है, तो आज हम थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है स्टार्टअप में, थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है और हो सकता है आने वाले समय में हम सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन जाए स्टार्टअप. तो इसलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट के साथ साथ PVC के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज भी अपना रोल अदा करे. मेरे ख्याल से PVC सारे स्टार्टअप्स को नहीं कैटर कर पाते हैं या एंजल इन्वेस्टर, मे बी 1%, 0.5%, 1%. लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप है जिनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे वो लिस्ट करा सके, फंड रेज कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके. तो ये कारण था हमारे लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का. और इसमें गाइडलाइंस हमने और सिंपल रखे हुए हैं. हमने कहा है कि कोई भी स्टार्टअप जो 2 साल पुरानी है और जिसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है और जो DIPP में एदर स्टार्टअप लिस्टेड है, और अगर स्टार्टअप लिस्टेड नहीं है तो उनकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की होनी चाहिए. तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने रखा है. नंबर 1 कि 2 साल पुरानी होनी चाहिए. ये IT और ITES रिलेटेड या बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब किसी भी चीज़ में जहाँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स है वो अपनी अपनी कंपनी को यहाँ पे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा सकते. तो इसके लिए नंबर 1 कि वो 2 साल पुरानी होनी चाहिए, उसकी नेटवर्क पॉजिटिव होनी चाहिए, DIPP में स्टार्टअप करके रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या नहीं तो अगर वो DIPP में स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ होनी चाहिए. तो ये हमने काफी ज्यादा यहाँ पे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिड्यूस करके रखा हुआ है. और आपको ये बता दू कि ऐसा समझा जा रहा था पहले कि शायद हम ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म भी नहीं इसको हम आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि पिछले 5-6 साल में कम से कम 2 से 3 बार ट्राई किया गया स्टार्टअप एक्सचेंज को स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था. आज ये यहाँ पे ऑलरेडी 5 स्टार्टअप लिस्ट हो गई है. विगत 6 महीने में 5 स्टार्टअप लिस्ट हो चुकी है. टोटल फंड जो इन्होंने रेज किया है 16 करोड़ रुपया रेज किया है इन्होंने, 16 से 17 करोड़ रुपया इन्होंने शायद रेज किया है. और ऑलमोस्ट जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन में 64 करोड़ से. तो हम और हमें ये बताया गया है कि ऑलरेडी 10 स्टार्टअप जो है ऑलरेडी लाइन में है जो मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में या 5 महीने में वो भी लिस्ट हो जाएंगे. मुझे लगता है जब तक मैं अभी आपका वापस से नेक्स्ट इंटरव्यू करूंगी तब तक और 50 हो जाएंगे लाइनअप और हम उन सबको इंटरव्यू कर रहे होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Aslam bhai, can we have you now, please? Aslam bhai, आपने कैसे सोचा कि स्टार्टअप पे लिस्ट कराने के लिए, स्टार्टअप एक्सचेंज पे लिस्ट कराने के लिए आपको ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा सुषमा जी, तो आई एम सॉरी कि मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है बिकॉज मोबाइल से मैं ऑनलाइन हूँ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अच्छा ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे अजय भाई जब इसको लॉन्च किया तो उसके पहले हमारी जो पहली कंपनी थी ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज जो IT कंपनी थी वो 2017 में ऑलरेडी हमने उसको वहां पर लिस्ट किया था. तो जब अजय ठाकुर जी स्टार्टअप लॉन्च किए तो एक और हमारी कंपनी ट्रांसपेरेंट एंटरप्राइज जो कि स्टार्टअप IIT में इंक्यूबेटेड थी
और एक एक्सपीरियंस हो चुका था, वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लिस्टिंग, सक्सेसफुली रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट. तो ये था कि अब सेकेंड लिस्टिंग भी स्टार्टअप में की जाए. और काफी, जैसे अजय सर ने बताया कि काफी रिलैक्सेशन था उसमें, कि अगर आपने कंपनी में, इफ यू आर रजिस्टर्ड विद DPIIT, और अगर आप जो है रजिस्टर्ड है, आपने स्टिल रेवेन्यू नहीं बनाया, स्टिल दे वर अलाउइंग द स्टार्टअप, तो ये काफी लुक्रेटिव ऑप्शन था स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का, जो कि अदर अल्टरनेट ऑप्शन जो होते हैं कि आप किसी VC के पास जाए, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेज द फंड विद दैट रूट. तो यहाँ पर बड़ा एक आसान सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया स्टार्टअप्स के लिए टू रेज द फंड. इसलिए हमने मतलब स्टार्टअप में अपना सेकेंड कंपनी को लिस्ट किया. तो आपके लिए क्या क्या बदलाव हुए, मतलब किस तरीके से, क्या बेनिफिट्स या क्या चेंजेस ऑफ डूइंग बिजनेस, अप्रोच ऑफ मे बी क्लाइंट्स, कस्टमर्स, और कितना पैसा आप रेज कर पाए? जी बिल्कुल, जो हमारी पहली कंपनी थी IT की, उसमें हमने अराउंड 9 crore रेज किया था. यहाँ पर जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म थे उसमें हमने 1.5 crore रेज किया. और स्टार्टअप के बाद में जो जो लिस्टिंग करते हैं उसके बाद में जो कंपनी की गवर्नेंस है, जो आपके अंदर डिसिप्लिन कंप्लायंस आ जाती है, वो एक बेनिफिट तो होता है. उसके अलावा जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जो कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में बढ़ता है क्लाइंट के लिए, दैट इज रिमार्केबल, कि आपके जो बिजनेस ग्रोथ भी हो जाते हैं. मैंने जब ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजीज के लिए फंड रेज किया था, तो मोस्टली हमारे इन्वेस्टर्स, हमने रोड शो किया था मिडिल ईस्ट में, तो वहां पर भी काफी इसकी अवेयरनेस हुई SME प्लेटफॉर्म की, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की. काफी लोग वहां से जो है इन्वेस्ट किए हमारे कैपिटल मार्केट में. तो डेफिनेटली एक तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ना, कंप्लायंस का बढ़ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बढ़ना, एक डिसिप्लिन आना, ये सारी बेनिफिट्स एक एंटरप्रेन्योर में आ जाती है लिस्टिंग के बाद. और आपके क्लाइंट्स किस तरीके से आपको देखने लगे, और आपके एम्प्लॉइज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्लाइंट्स में, जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट्स, इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, तो वहां पर क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इफ यू आर अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट. इम्प्लॉइज के अंदर भी मोटिवेशन, जब हम लिस्टिंग का प्लान किया, ESOP इशू किया, तो इवन जो इम्प्लॉइज हैं वो भी पार्ट ऑफ ओनरशिप में आ जाते हैं. तो इवन इम्प्लॉय का भी जो है मोटिवेशन काफी हाई होता है इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द ओनरशिप इन द कंपनी. एग्रीड. तो आप और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, आज हमारे जो बहुत सारे स्टार्टअप भी जुड़े हुए हैं हमारे ऑडियंस में, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरीके से स्टार्टअप एक्सचेंज के लिए अप्रोच करना चाहेंगे, और क्या क्या बेसिक तैयारी होनी चाहिए, आप क्या गाइड करना चाहेंगे? आप बिल्कुल, जैसे अजय भाई ने सारे क्राइटेरिया तो बता दिया है कि पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, और अगर स्टार्टअप में है तो आइदर DPIIT रजिस्टर्ड हो, या अल्टरनेटली अगर रजिस्टर नहीं है तो पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की, वो हम पूरी करें. इसके अंदर सबसे बड़ी, एक बार जब आप लिस्टिंग के लिए प्लान करते हैं, थॉट डालते हैं, तो सबसे पहले ये कि भाई मेंटली आप प्रिपेयर हैं. बहुत सारे मैंने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कि वो लिस्टिंग के नाम से द ओनली रीजन दे आर अफ्रेड बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन जैसे भी अजय भाई ने कहा कि समटाइम्स इवन इट टेक्स 3 months, ठीक है, ऐसे केसेस हुए हैं कि वहां पर 1 साल लग गए हैं. तो जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, नो डाउट लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग के बाद है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के वर्क है, प्रोसेसेस है, कंप्लायंस है. आपको डर नहीं लगा? आपको कंप्लायंस और पेपर वर्क का डर नहीं लगा? ना बिल्कुल नहीं, उसका सबूत है कि हमने 2-2 लिस्टिंग की है. अच्छा, तो मतलब आपको कन्विंस किसने किया सबसे पहले? आई एम श्योर अगर आप अजय जी से मिले होंगे तो उन्होंने डेफिनेटली आपको कन्विंस कर दिया. बिल्कुल, पहली बार मैंने अजय भाई से मिला था कि सर देखिए अब नेक्स्ट लीप लेना है, कंपनी में फंड चाहिए, तो मल्टीपल ऑप्शंस में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड वन ऑफ द ऑप्शन इज लिस्टिंग द कंपनी. और फिर अजय भाई ने सारी SME के बारे में बताई, तो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस.
और काफी हैंड होल्डिंग होती है, मतलब जो हमारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर जो जुड़े हुए हैं उनसे, कि एक बार जब आप डिसाइड कर लें तो अजय भाई की पूरी टीम है, एक्सटेंडेड टीम है, जैसे हमें कभी लगता है कि भाई हु विल बी द राइट मर्चेंट बैंकर, हु विल बी द इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन ये सारी गाइडेंस जब एक बार आप जर्नी शुरू करते हैं तो आपको सारी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक डर रहता है एंटरप्रेन्योर्स में कि एक तो हम लिस्ट तो कर दें बट उसके बाद क्या, कंप्लायंस, पेपर वर्क, हैंड होल्डिंग, क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, और क्या चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड कर ले सकते हैं। तो थैंक यू हमारे साथ असलम भाई ये चीजें शेयर करने के लिए। थैंक यू सुषमा जी। तो अजय सर से मैं पूछना चाहूंगी, मुझे स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा और जानकारी चाहिए, अबाउट इन्वेस्टर इकोसिस्टम कैसा है, कितना समय लगता है और किस हिसाब से ये अचीव किया जाए। देखिए इसमें सेम है, अगर मानते जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क में जितना टाइम लगता है वो तो लगता ही है, उसके अलावा जो है एक महीने का टाइम, हमारा अप्रूवल जो है काफी फास्ट प्रोसेस है, हम जो है विदिन 7 डेज जो है एक बार हमारे पास प्रॉस्पेक्टस वगैरह बन के जमा हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, तो हम 7 डेज विदिन 7 डेज कंपनी को, 7 वर्किंग डेज जो है कंपनी को अप्रूवल दे देते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो हम जितना फास्ट अप्रूवल दे सकते हैं कंपनी को इन द स्टार्टअप स्पेस। इसके अलावा हमने कॉस्ट जो है जो BSE कॉस्ट जो फी चार्ज करती है उसको हमने मिनिमल रखा है ताकि वो फी जो है प्रोमोटर को ज़्यादा ना लगे। जो तीसरी चीज है कि उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो मर्चेंट बैंकर होते हैं या जो प्रमोटर होते हैं, जो दूसरी एजेंसियां रहती हैं, वो 15 दिन से 1 महीने का एक रोड शो करती है जिसमें इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर्स को बताया जाता है अपनी कंपनी के बारे में, और उसके बाद इन्वेस्टर्स जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, और वो एक IPO का प्रोसेस है, वो कम IPO खुलता है, पब्लिक इशू खुलता है। ये जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमम आपको 3 दिन इशू ओपन रखना है और मैक्सिमम आप 10 दिन के लिए इशू ओपन रख सकते हैं, और आप जितने दिन पब्लिक इशू को ओपन रखते हैं उतने दिनों में ये मर्चेंट बैंकर इंश्योर करता है कि आपकी कंपनी फुली सब्सक्राइब हो जाए। मतलब अगर आपने 3 करोड़ का IPO लाया है तो 3 करोड़ रुपये आपकी कंपनी में आ जानी चाहिए, अगर आपने 5 करोड़ का IPO लाया है तो 5 करोड़ रुपये आपके कंपनी में आ जाना चाहिए। तो ये एश्योरेंस, ये आपको एश्योर कौन करता है, वो मर्चेंट बैंकर करता है। तो एक ये टीम एफर्ट रहता है बिटवीन मर्चेंट बैंकर एंड द प्रमोटर, और उसके साथ जो एजेंसियां रहती है जो मर्चेंट बैंकर का काम है, एज ए प्रमोटर उनको मर्चेंट बैंकर से कनेक्ट होना है, उनको दूसरी एजेंसी से कनेक्ट नहीं करना है, लेकिन एज ए टीम वर्क काम करना है, क्योंकि जब तक प्रमोटर कन्विंसिंगली जो है इन्वेस्टर्स को समझा नहीं पाएंगे कि उनकी कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या करने वाली है, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा, एक्सपेंशन कैसे होगा, तब तक इन्वेस्टर्स जो है उसमें फंड नहीं डालेंगे। तो बड़ा मिला जुला काम है, बड़ा टीम एफर्ट का काम है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुली ये हो रहा है। थोड़ा प्रोसेस टाइम लग सकता है, थोड़ा इन्वेस्टर्स को कन्विंस होने में टाइम लग सकता है, लेकिन प्रोसेस काफी फास्ट। सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इसमें ऐसा कोई तरीका है जैसे BSE SME एक्सचेंज से मेन बोर्ड पे माइग्रेट किया जा सकता है, तो क्या स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से SME एक्सचेंज पे माइग्रेट किया जा सकता है? हाँ, इसमें भी हमने प्रोसेस रखा है कि 2 साल के बाद अगर स्टार्टअप कंपनियों की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर हो जाती है तो वो अगेन 2/3 नॉन प्रोमोटर का अप्रूवल लेकर के मेन बोर्ड में माइग्रेट हो सकते हैं। तो स्टार्टअप स्पेस में भी हमने वही जो है नियम रखे हैं जो हमने SME स्पेस में रखे हैं। तो एक ही है, उसमें भी हम 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल की बात करते हैं, इसमें भी हम 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल की बात करते हैं। तो 10 करोड़ के ऊपर अगर आपकी पेड अप कैपिटल हो जाती है तो आप 2/3 नॉन प्रमोटर्स का अप्रूवल लेके मेन बोर्ड में माइग्रेट कर सकते हैं। तो अभी सर SME एक्सचेंज से कितनी कंपनियां मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो चुकी हैं? अभी SME एक्सचेंज पे 78 कंपनीज मेन बोर्ड पे माइग्रेट हो गई, आउट ऑफ 322 लिस्टेड जो है उसमें से 78 कंपनीज मेन बोर्ड में माइग्रेट हो गई। असलम भाई आपके ऐसे क्या प्लान्स हैं कि आप स्टार्टअप एक्सचेंज से SME एक्सचेंज पे माइग्रेट हो, और आपने अपने लिए कितना डेडलाइन दिया है अपने आप को, कितने समय में माइग्रेट करना चाहते हैं? हमने
जो आईटी कंपनी थी, इस साल हम 3 साल उसके पूरे कर रहे हैं और हमारा ये प्लान था कि इस साल हम उसको माइग्रेट करें मेन बोर्ड में, और हम अपने जो टीम है मर्चेंट बैंकिंग की टीम से वही डिस्कशन शुरू किए थे कि नाउ वी आर इनटू दिस लॉकडाउन फेज, तो इफ नॉट दिस ईयर लेटर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर बिल्कुल हमने प्लान किया है माइग्रेट करने के लिए। और स्टार्टअप तो अभी हमने जस्ट लास्ट ईयर ही लिस्ट किया है, तो एज अपना फोकस तो ये है कि हम उसमें जो है हमारी स्टार्टअप ये मेडिकल डिवाइस की कंपनी है जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हमने मशीन बनाई है, तो उसके इस क्वार्टर में हमने काफी पाइपलाइन बनाई है उसको सेल करने की हॉस्पिटल्स में, तो वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन दैट। तो एज सच फॉर दिस ईयर देयर इज नो प्लान फॉर माइग्रेटिंग द स्टार्टअप टू द एसएमई और मेन बोर्ड, लेकिन जो आईटी कंपनी है उसका तो प्लान है हमारा। चलिए इंशाल्लाह आपका प्लान ये एकदम सक्सेसफुल हो और आपकी कंपनी बहुत आगे बढ़े। मुझे पता है कि आपका रोजा खोलने का समय हो गया और आपने हमें कहा था कि आप 10 मिनट पहले आप क्विट करेंगे सेशन के लिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपकी कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। मैं कृष्णा की तरफ आऊंगी। कृष्णा, आपकी क्या एडवाइस है उन कंपनियों के लिए जो एस्पायर करती हैं बीएससी एसएमई एक्सचेंज पे, क्योंकि आई एम श्योर आपको आज देख के बहुत सारी कंपनियां इंस्पायर हो गई होंगी, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? दे शुड इंडीड गो फॉर इट, मतलब आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, आई मीन विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स एंड नॉट बिकॉज़ अजय भाई इज हियर, दैट्स व्हाई आई एम बिलीव मी वी हैव गॉट जेन्युइन बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड इट्स आल्सो अबाउट योर माइंडसेट। सो मेरा हमेशा ये सोचना है कि हर एंटरप्रेन्योर का अपनी सोच होती है, अपना डायरेक्शन होता है, बट अगर आप इसलिए एंटरप्रेन्योर हैं दैट यू आर प्लानिंग टू बिल्ड अ लार्ज एंटरप्राइज, आपका एक विजन है, आपका एक एम्बिशन है, तो उस मायने में तो आपको 100% आके लिस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पाथ टूवर्ड्स टेकिंग योर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल एंड प्रोबेबली aspiring to be playing with the big boys of the game. Thank you very much. Ajay sir, आपको मैं पूछना चाहूंगी कि ये हमारे SME का future थोड़ा सा bleak है in this current COVID situation, ऐसा समझा जा रहा है, तो SME exchange किस तरीके से support कर सकता है हमारे MSMEs को? देखिए ब्लीक तो है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एज ए एसएमई एक्सचेंज जो है हमारा यही प्रयास रहेगा कि जब भी आप लिस्टिंग कराएं तो आपको इक्विटी फंडिंग आपके लिए अवेलेबल रहे। आज हम एक चीज तो जरूर देख रहे हैं कि जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है वो आज बेटर पोजिशन में है अपने रिस्क को मिटिगेट करने में या थोड़ा जो है अपने बिजनेस को सस्टेन करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है जो वो बेटर पोजीशन में है अनलिस्टेड कंपनीज के, क्योंकि वहां पे जो है एक ही सोर्स ऑफ फंड है जिसको लोगों ने यूज किया है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको सर्विसिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है। इक्विटी बाय नेचर जो है एक सर्विसिंग का चीज नहीं है, डेट को सर्विसिंग करना पड़ता है, इक्विटी को सर्विसिंग नहीं करना पड़ता है। वहां पे जो भी इन्वेस्टर है वो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ जो है अपना उसमें एक इक्विटी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो उससे प्रॉफिट बनाते हैं, तो एक जो है वो आपकी लायबिलिटी को इक्विटी जो है कम करती है, इसलिए आप बेटर पोजीशन में रहते हैं अपनी कंपनी का बिजनेस को सस्टेनेबल मॉडल में रखने के लिए, बुरे समय में जो है अपने बिजनेस के जो रिसोर्सेस है फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसको बेटर यूज करने के लिए। तो इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि जितनी भी एसएमई कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें, अपनी कंपनी को यहाँ पे लिस्ट करें, इन्वेस्टर से फंड लें, अपनी कंपनी को जो है इस बुरे वक्त में जो है अपने आप को थोड़ा निकालें, और जब अच्छे वक्त आए तो आप इस फंड से अपने आप को ज्यादा लिवरेज करके अपने बिजनेस को फास्ट पेस में इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी आप अपने कंपनी को ज्यादा पेस में ग्रो कर सकें। तो ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए और अपनी कंपनी को लिस्ट करा के वो बेनिफिट्स उठा सके जो आज के दिन में सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फंडिंग पे डिपेंडेंट हो करके पॉसिबल नहीं। काफी सारे मर्चेंट बैंकर्स हैं और काफी सारी कंपनियां हैं जो क्लेम करती हैं कि प्रोस्पेक्टस बनाने में और लिस्टिंग में हेल्प करते हैं, तो क्या बीएससी एसएमई एक्सचेंज के साथ कोई एम्पैनल्ड मर्चेंट बैंकर्स हैं, आपकी कोई एम्पैनल्ड कंपनियां?
देखिए, हम मर्चेंट बैंकर की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिनको भी जो कंपनियां अपनी लिस्ट करानी है उनको हम मर्चेंट बैंकर की लिस्ट प्रोवाइड, तो ये एक जो है हर्डल नहीं है। आज के दिन में हमने जो प्रॉब्लम देखा है वो क्या प्रॉब्लम कहाँ देखा है, इन द माइंड सेट ऑफ द प्रोमोटर। प्रोमोटर आगे नहीं आना चाहते हैं लिस्टिंग करने के लिए, मर्चेंट बैंकर्स की कमी नहीं है, मर्चेंट बैंकर्स काम करना चाहते हैं। आप एक चाहेंगे 10 मर्चेंट बैंकर आ जाएंगे आपके लिए काम करने के लिए, वो एक जो है बॉटल नेक नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। हम लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। मर्चेंट बैंकर आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देने के लिए रेडी है कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है। जरूरत ये है कि आप अपने माइंड सेट को जो है रेडी रखें लिस्ट कराने के लिए। अगर आप वो है तो सारी चीजें जो है इट विल फॉल इन प्लेस टू हेल्प यू टू रीच टू द BSE SME प्लेटफॉर्म एंड गेट योर कंपनी लिस्टेड। तो डेफिनेटली अब हम हमारे लास्ट सवाल पे आए हैं, तो प्राइस तो मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले मैं और एक चीज पूछना चाहूंगी कि मैंने सुना है बहुत सारे स्टेट्स ने जो ये लिस्टिंग फी है उसको सब्सिडाइज किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME भी सोच रही है कि एक फंड ऑफ फंड्स जो क्रिएट करने जा रही है उसमें भी SME एक्सचेंज की लिस्टिंग फीस को कहीं ना कहीं सब्सिडाइज किया जाए, तो क्या आप थोड़ा उस बारे में जानकारी देंगे कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सब्सिडाइज किया है लिस्टिंग फी और कितना? देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र ने अप टू 5 लाख रुपीज जो है उसकी सब्सिडी देने के लिए ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसी बना ली है और वो दे भी रहे हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एंड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दो स्टेट रेडी हैं आज के दिन में। बाकी स्टेट्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है, बाकी स्टेट्स को हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी फंड्स बनाए जहाँ पे वो एक परसेंटेज ऑफ इक्विटी, जो भी IPO ला रही है कंपनी उसमें एक परसेंटेज ऑफ द इक्विटी वो ले, डिपेंडिंग अपॉन कितने वो लोग इम्प्लाइज रखे हुए हैं, कितना उन्होंने कौन से सेक्टर में है, किस एरिया में है। अगर रूरल एरिया में है तो ज़्यादा उनको सपोर्ट करे, अगर मेट्रोज में है तो उस हिसाब से वो पॉलिसी अपनी जो है डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं रेस्पेक्टेड श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था लास्ट ईयर ही और इस बार भी उन्होंने रिट्रेट किया है इस बात को कि 10,000 करोड़ का एक फंड बना रहे हैं जहाँ पे जो अच्छी रेटेड कंपनी है उसमें उनकी IPO की 15% तक वो लेने के लिए उस फंड से तैयार है। तो सबसे पहली सोच है, बात ये है कि आज तक कभी ये बात कही नहीं गई, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सीरियसनेस पहले ऐसा देखा नहीं गया, इतना तक सीरियस नहीं। आज ये बात चल रही है कि ठीक है हम एक फंड बना रहे हैं जो इक्विटी लेगी SME की जो लिस्टिंग करने के लिए आएंगे। इसके अलावा रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि और रिक्वेस्ट किया है कि SMEs को कि वो कैपिटल मार्केट में जाए, अपनी कंपनी को लिस्ट कराए और वहां से भी फंड रेज करे, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट के पास से कि भैया आप अल्टरनेट रिसोर्सेस को जो है आप एक्सप्लोर कीजिए, उनको आप यूज कीजिए अपने ग्रोथ के लिए, सिर्फ एक सोर्स ऑफ फंडिंग पे आप डिपेंडेंट रह करके अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर सकते। तो मैसेज इज टोटली क्लियर, टिल नाउ वी वेर ओनली सेइंग और SEBI वाज सेइंग, नाउ गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग विद फुल फोर्स विथ ए यू नो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ए स्टेचर ऑफ नितिन गडकरी जी। तो आई थिंक दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं श्री सुभाष देसाई जी, वो भी उनके साथ भी मैं बहुत सारे इवेंट में गया हूँ, तो उन इवेंट्स में भी उन्होंने जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि आप भी आइए, और वहाँ पर भी वो मिनिस्टर SME जो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि आप BSE जाए वहाँ अपनी कंपनी को लिस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, अगर आप देखें हर स्टेक होल्डर ट्राई ये कर रहा है कि कैसे SMEs की लाइफ को जो है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके, उसको अच्छा बनाया जा सके। तो अब जैसे आपने प्रॉमिस किया था, समय आ गया है अपने लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने का। आपको हमें बताना है कि व्हाट इज द कॉस्टिंग फॉर लिस्टिंग बोथ ऑन SME एक्सचेंज एज वेल एज स्टार्टअप एक्सचेंज। देखिए, जो लिस्टिंग की कॉस्ट है वो ऐसी नहीं है जो प्रमोटर को पेन करे। नॉर्मली इट रेंजेज बिटवीन 30 लाख टू 40 लाख, सारी चीजों को अगर आप ले लें A to Z, ठीक है। इन स्टार्टअप इट इज समवेयर अराउंड 25 लाख रुपीज के आसपास है।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर के मन में ये आशंका आती है कि शायद ये कॉस्ट जो है हमको पहले ही देना पड़े, ये सारे हमारे ऊपर जो एक्सपेंडिचर पहले ही आ जाए और हमारी कंपनी लिस्ट नहीं हो तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, उनको जो है बहुत जो भी कॉस्ट है जो भी मर्चेंट बैंकर से होता है उसमें उनको लिस्टिंग से पहले जो है उसका 10-15% तक ही उनको कॉस्ट आता है। ठीक है, तो आप समझो कि अगर आपने 35 लाख में किया तो आपका लिस्टिंग तक 7-10 लाख रुपए तक का ही कॉस्ट है जो 3 फेज में खर्चा होता है आपका। ठीक है, बाकी जो है आपको जब बाहर से फंड आते हैं उसके बाद आपको वो देना होता है। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस इतना कुछ खास ज्यादा नहीं है, इट्स हार्डली एनीथिंग। तो मेरे ख्याल से ये कॉस्ट जो है इतना बड़ा हर्डल नहीं है कि कोई भी एसएमई या स्टार्टअप जो है अपनी कंपनी को लिस्ट ना करा सके। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, और आपका ये कॉस्ट का जो एक्सप्लेनेशन था ये सुन के मुझे लगा भी, अभी मैं खुद कन्विंस हो गई हूँ कि इट इज नॉट अ बिग कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो एक बोलते हैं ना एक बबल होता है और हमने एक परसेप्शन बना रखा होता है कि ये बहुत बड़ा एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी कॉस्टिंग बड़ी होगी और मेरे रीच से दूर है, बट ऐसा नहीं है। तो हमारे बहुत सारे मिथ्स जो हैं इसको बस्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इतना डिटेल में हमें एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स हैंड होल्डिंग और किस हिसाब से स्टेप वाइज प्रोग्रेशन क्या होगा ये सारा कुछ हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अजय सर आपका भी और कृष्णा सिंह जी आपका भी थैंक यू वेरी मच, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। I thank all the audience. I think hamari 725 people are still viewing us and not one has dropped. So thank you very much for all this, sir. Thank you. मेरे ख्याल से सुषमा जी, आपने मेरे ख्याल से BSE SME platform की शुरुआत और India SME के forum की भी शुरुआत एक ही साथ हुई थी। जी। तो जिस तरह BSE SME की और startup की credibility बढ़ी है उस तरह आपकी भी credibility बढ़ी है और उससे ये 700 ऑडियंस से ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। मैं प्लीज आपको बताऊं कि आप अपना कोई कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी या कोई ऐसा नंबर है जो आप बोलना चाहते हैं जिसको हमारे श्रोता रीच करें या उस ईमेल पे क्वेरी भेजें, तो आप प्लीज उसे कहें। ajay.thakur@bseindia.com आप उस पे अपना कोई भी क्वेरी हो तो आप भेज सकते हैं। तो मैं रिपीट कर लेती हूँ, ajay.thakur@bseindia.com। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बाय बाय।